आज की वीडियो की इस कड़ी में आज हम देखेंगे आत्महत्या, और आत्महत्या से आगे जो कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि आत्महत्या क्या है, आत्महत्या की विशेषता क्या है, और ख़ासकर दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या, दुर्खिम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसा कि हमने पहले बताया था कि दुर्खिम ने जहाँ समाज और व्यक्ति की जहाँ बात आती है तो वो समाज को महत्व देते हैं, समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं, और हर गतिविधि को कह सकते हैं कि व्यक्ति की हर गतिविधि को वो समाज से प्रेरित मानते हैं कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है सुबह से शाम तक जो कुछ भी करता है उसमें समाज का प्रभाव रहता है, समाज का नियंत्रण होता है, समाज का दबाव होता है। वही उनकी विचार, उनकी विचारधारा यहाँ आत्महत्या के सिद्धांत में भी हमको देखने को मिलती है। और वो ये कहते हैं कि आत्महत्या भी एक व्यक्तिगत तथ्य न होके सामाजिक तथ्य है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अकेला आत्महत्या जरूर करता है, अपने जीवन लीला को समाप्त जरूर करता है, लेकिन उसके पीछे सामाजिक, हम कह सकते हैं दशाएं, सामाजिक कंडीशन, समाज का प्रभाव, समाज का दबाव, यह समाज कुछ ऐसी दशाएं निर्मित कर देता है जिस दशा में व्यक्ति अपने को यानी जीवित रखना बहुत ही मुश्किल पाता है, कठिनाई भरा पाता है, और वह अपना जीवन लीला को समाप्त कर देता है। तो हमने पिछले वीडियो में जहाँ तक आत्महत्या, आत्महत्या का प्रकार और आत्महत्या की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया था, देखा था, आज हम देखते हैं आत्महत्या के प्रकार। जैसा कि दुर्खिम ने अपने आत्महत्या सिद्धांत में आत्महत्या के मुख्य रूप से चार प्रकारों की बात कही है, और चार प्रकारों की जो आत्महत्या जो बताई गई है, पहली अहमवादी आत्महत्या, दूसरी परार्थवादी आत्महत्या, तीसरी आदर्शहीन आत्महत्या, और चौथी घातक आत्महत्या। तो आज हम आत्महत्या के प्रकारों में पहला प्रकार अहमवादी आत्महत्या के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे कि अहमवादी आत्महत्या क्या है। दुर्खिम का ऐसा मानना है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः सामाजिक कारक ही इसके विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनका मानना है कि आत्महत्या की इस समाज में तरंगें उठती हैं, व्यक्ति के मन में तरंगें उठती हैं, इन तरंगों का निर्माण वो कहते हैं कि विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा निर्मित होती हैं। इन तरंगों का निर्माण विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा निर्मित होता है, और आत्महत्या की तरंगों की भिन्नता के आधार पर ही उसके उपप्रकारों को निश्चित करते हैं। दुर्खिम आत्महत्या के प्रकारों के विश्लेषण में सामाजिक तत्वों जैसे धर्म है, परिवार है, राजनीति है, व्यवसाय है आदि को महत्व देते हैं, और इनके आधार पर ही वो आत्महत्या के कारणों की बात करते हैं। तो यहाँ हम आत्महत्या के प्रकारों की जब बात करें तो पहला प्रकार है अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने को समाज से कह सकते हैं कि पृथक और कटा हुआ महसूस करने लग जाता है। वह सोचता है कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, एकांतवाद से उसका जो बोझिल मन कह सकते हैं कि आहत होता है, और वह अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। व्यक्तिगत जीवन कह सकते हैं कि तभी संतुलित रहता है जब वह सामाजिक जीवन के साथ निरंतर संबद्ध रहे, बंधा रहे, जुड़ा रहे, और जब व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से पृथकता अनुभव करने लग जाता है, अलग थलग अनुभव करने लग जाता है, या हम कह सकते हैं कि समाज में संगठन एवं एकीकरण का अभाव हो जाता है, तो व्यक्ति अपने को समाज से मुक्त समझने लगता है, और कह सकते हैं कि समाज का उस पर नियंत्रण ढीला हो जाता है, शिथिल हो जाता है। अहमवादी आत्महत्या, दुर्खिम का ऐसा मानना है कि अहमवादी आत्महत्या वे लोग करते हैं जिनका अहम बहुत प्रबल होता है,
वे अपने स्वयं को सको ये कह सकते हैं कि स्वयं के अहम को समाज से श्रेष्ठ मानते हैं, समाज से श्रेष्ठ मानते हैं। अहमवादी व्यक्ति किसी तरह स्वयं की स्वार्थ पूर्ति में हमेशा लीन रहता है तथा समाज के साथ कदम मिलाकर वो चलने में असमर्थता व्यक्त करता है। वहाँ व्यक्तिगत चेतना एवं सामाजिक चेतना में कोई हम कह सकते हैं कि साम्य वाली जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं रहती है, और इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं में ही इतना लीन रहता है, मग्न रहता है कि वो सामूहिक जीवन में कह सकते हैं कि भाग लेना बंद कर देता है। वह मात्र अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु ही जीवन में कह सकते हैं कि संलग्न रहता है। फलस्वरूप समूह के अन्य व्यक्तियों से तिरस्कृत करने लग जाते हैं, उसकी उपेक्षा करने लग जाते हैं, और जब उपेक्षा करने लग जाते हैं वहाँ सामूहिक जीवन से वो अपने आप को जब तिरस्कृत उपेक्षित मानने लग जाता है तो अपने आप में एक एकाकीपन से वो है कह सकते हैं कि उसका जीवन उबने लगता है और वह आत्महत्या की ओर उन्मुक्त हो जाता है। अपने स्वार्थ में लीन होने एवं अपने अहम को सबसे ऊंचा मानने के कारण दुर्खी में इस प्रकार की आत्महत्या को अहमवादी या स्वार्थ परक आत्महत्या की उन्होंने इस आत्महत्या की संज्ञा दी है। तो यहाँ अहमवादी आत्महत्या हमने देखी, शायद आप लोगों के दिमाग में क्लियर हुआ होगा, स्पष्ट हो गई होगी कि अहमवादी आत्महत्या उस स्थिति में व्यक्ति करता है जब वह समाज से अपने आप को अलग थलग मानने लग जाता है, बिल्कुल कटा हुआ मानने लग जाता है, वहाँ समाज का एकीकरण और संगठन कमजोर पड़ जाता है, तो वहाँ कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं कि व्यक्ति को अपना कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अलग थलग उपेक्षित और महसूस होने लग जाता है। वो उस स्थिति में यानी आगे अपना जीवन को बनाए रखने में वो कह सकते हैं कि असमर्थ हो जाता है और वो अपने जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो इस प्रकार की जो आत्महत्या है वो कौन सी दुर्खिम ने बताई है? अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में कि यदि हम यहाँ कुछ कारणों की बात करें कि अहमवादी आत्महत्या के कारण क्या हैं, तो दुर्खिम ने जो जहाँ तक कारणों की इनकी बात की है तो वे कहते हैं कि समाज से जितना अधिक लगाव हमारे मन में होता है उतना ही अधिक हम सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, और जितना ही हम समाज से पृथकता का अनुभव करते हैं उतना ही जीवन के प्रति हमारा लगाव जो होता है कम हो जाता है। वे कहते हैं कि क्यों कि जीवन का जो स्रोत है और लक्ष्य है वह समाज ही है। मतलब समाज को देखिए उन्होंने इतना महत्व दिया है, वे कहते हैं कि जीवन का स्रोत और लक्ष्य समाज ही है। समाज से परे होने पर उसे जीवन खाली खाली निरुद्देश एकाकी कष्टप्रद प्रतीत होता है, वह जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है। सामाजिक पृथकता से उत्पन्न उदासीनता व्यक्ति को कह सकते हैं निष्क्रिय बना देती है और वह जीवन को उद्देश्यहीन समझने लगता है, निरर्थक मानने लग जाता है। वह उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें आती हैं कि मेरे जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे जीवन जीना बिल्कुल ही निरर्थक है, और उस स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या कर बैठता है। इस प्रकार दुर्खिम अहमवादी आत्महत्या के लिए सामाजिक संगठन के अभाव को मूल कारण मानते हैं। उनका मुख्य कारण यानी यही मानते हैं कि जिस समाज का संगठन ढीला पड़ जाता है, समाज का जो एकीकरण है उसमें जो संगठन की शक्ति है, एकीकरण की जो शक्ति है, जो एक समाज को बांधने की उसमें शक्ति है, वह जो शक्ति है वो शिथिल हो जाती है, और वह जब शक्ति शिथिल हो जाती है तो व्यक्ति वहाँ अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लग जाता है, और उस स्वतंत्रता की यानी स्वतंत्र महसूस जब वो करता है तो वो अपना यानी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और कुछ भी करने में वह आत्महत्या को अपने गले लगाता है, अपनी जीवन लीला को समाप्त करने को गले लगाता है। यहाँ जहाँ तक अहमवादी आत्महत्या के कारणों की हम बात करें तो वो मुख्य रूप से चार कारणों की वो बात करते हैं, और चार कारणों में पहला जो कारण है कि धर्म तथा अहमवादी आत्महत्या। पहला उन्होंने धर्म को एक कारण बताया है, और वो कहते हैं, और जहाँ तक है उन्होंने कई विश्व के धर्मों का अध्ययन किया, और कई धर्मों के अध्ययन करने के बाद में एक वो निष्कर्ष पर पहुंचते, तो उनका मानना है
वे यूरोप के विभिन्न धर्मावलंबियों में आत्महत्या की दर के आंकड़े प्रस्तुत कर यह दर्शाने का प्रयास उन्होंने किया कि जिन धर्मों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम थी वहां आत्महत्या की दर भी कम थी, और जिन धार्मिक समूहों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक थी वहां आत्महत्या की दर भी अधिक थी। दुर्खिम ने ईसाई धर्म की दो शाखाओं प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मतावलंबियों में आत्महत्या की दर का एक तुलनात्मक अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि कैथोलिक की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों में आत्महत्या की जो दर थी वो अधिक थी। और आपने अपने अध्ययन में एक ये बात भी पाई, उन्होंने जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है और इटली में जहाँ कैथोलिक धर्म का प्रचलन अधिक था आत्महत्या की दर वहाँ कम थी, और इसी के विपरीत प्रोटेस्टेंट देश प्रशिया है, सैक्सोनी है, डेनमार्क है, वहाँ आत्महत्याओं की दर ज़्यादा थी। तो उनका ये मानना है कि कैथोलिक जो चर्च है की अपेक्षा कैथोलिक जो चर्च होते हैं वह प्रोटेस्टेंट चर्चों की अपेक्षा अधिक दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, उनका संगठन मजबूत होता है, विसंगठित होते हैं और वहाँ उनका संगठन ज़्यादा है तो वहाँ आत्महत्या की दर कम पाई जाती है। तो वही उन्होंने एक बात बताई कि जहाँ प्रोटेस्टेंट देश हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म वाले देश हैं, वहाँ सामान्यतः उदारवादी विचारधारा हमको देखने को मिलती है, तो वहाँ आत्महत्या की दर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ संगठन कमज़ोर है, उन चर्चों का एकीकरण वहाँ कमज़ोर है, और जहाँ संगठन कमज़ोर होता है वहाँ व्यक्ति मजबूत हो जाता है, और जहाँ व्यक्ति मजबूत होता है तो वो आत्महत्या की दर वहाँ बढ़ती है। वहीं इसके विपरीत कैथोलिक की हम बात करें, वहाँ कैथोलिक चर्चों की जहाँ तक बात है वहाँ संगठन मजबूत है, एकीकरण उनका मजबूत है, और जहाँ संगठन मजबूत है वहाँ व्यक्ति कमज़ोर है, और वहाँ व्यक्ति संगठन के साथ साथ चलता है और वह अपने स्वतंत्र यानी कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है, इसीलिए वहाँ आत्महत्याएँ कम होती हैं। दूसरा वो एक कारण मानते हैं कि शिक्षा और ज्ञान ये भी आत्महत्या को अहमवादी आत्महत्या को प्रभावित करते हैं, और इसमें वो दुर्खिम मानते हैं कि अशिक्षितों की तुलना में शिक्षित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं क्योंकि ज्ञान और शिक्षा सामान्य विश्वासों को कमजोर कर देते हैं। इस संदर्भ में मॉरिसन ने भी ये कहा था कि शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में लगे हुए लोगों में आत्महत्या की दर सबसे अधिक होती है। इसी प्रकार से उच्च वर्ग के लोगों में भी आत्महत्या अधिक करते हैं। इसी प्रकार से उच्च व्यवसाय में लगे लोग नौकरी करने वालों की अपेक्षा अधिक आत्महत्या करते हैं। उनका मानना है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनमें शिक्षा का प्रतिशत अधिक होता है। शिक्षा और ज्ञान आत्महत्या के निर्धारक नहीं है, वो ये भी कहते हैं यहाँ पर कि शिक्षा और ज्ञान आत्महत्या के निर्धारक तत्व नहीं है, वरन वे वैचारिक और बौद्धिक स्वतंत्रता को जन्म देते हैं जिससे धार्मिक एकता कमजोर होती है और वहाँ आत्महत्या को बढ़ावा मिलता है। यानी जहाँ शिक्षा ज़्यादा है वहाँ स्वतंत्र विचार भी ज़्यादा हैं, और जहाँ स्वतंत्र विचार ज़्यादा हैं वहाँ संगठन कमज़ोर है, और जहाँ संगठन कमज़ोर है शिक्षा ज़्यादा है वहाँ आत्महत्याओं की भी दर ज़्यादा है। इसलिए वो कहते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक आत्महत्या होती है क्योंकि महिलाओं की तुलना में पुरुष जो हैं वो अधिक शिक्षित हैं, वो अधिक खुले विचारों के हैं, वो उनके विचारों में अधिक स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता के कारण वे अधिक अहमवादी आत्महत्या के कारण वहां बनता है। इसके बाद वो एक तीसरा कारण और मानते हैं और वो है परिवार और आत्महत्या। परिवार और आत्महत्या में उनका मानना है कि परिवार भी संगठित या असंगठित होने पर आत्महत्या की दर को प्रभावित करता है। संगठित परिवार आत्महत्या को रोकता है, वह जीवन कह सकते हैं कि वह एक जीवन बीमा की तरह काम करता है जो संगठित परिवार है, और वहीं व्यक्तित्व परिवार है
वह अहमदाबादी आत्महत्या का प्रेरक और एक प्रेरणा उसको देता है। तथ्यों के आधार पर दुर्खिम ने विवाह की स्थिति और आयु एवं लिंग आदि के आधार पर आत्महत्या की कुछ दरों के बारे में उन्होंने बताया और उन दरों के बारे में हम यहाँ आपको बताते हैं। वो इसमें कहते हैं कि विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं और इसका कारण वो मानते हैं कि विवाहित व्यक्ति का जीवन अधिक सुविधापूर्ण होता है, उसकी जिम्मेदारियां एवं चिंताएं कम होती हैं, अतः वे आत्महत्या करने में कम हिचकते हैं। और यही वो फिर कहते हैं कि किंतु 16 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बालक कम आत्महत्या करते हैं क्योंकि वे अवयस्क एवं अपरपक्व हैं, यानी वो अवयस्क हैं अपरपक्व हैं, वह अपने यानी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनमें आत्महत्या की दर कम पाई जाती है। अगले बिंदु के रूप में वो यह भी कहते हैं कि विधुर या विधवा विवाहितों की तुलना में अधिक एवं अविवाहितों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं, यानी विधुर या विधवा जो हैं वे विवाहितों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं और अविवाहितों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं, यानी जो अविवाहित हैं उनकी तुलना में कम आत्महत्या करते हैं। आगे वो बताते हैं कि विवाहितों में भी बिना बच्चे वाले बच्चे वालों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं और कहते हैं कि संतान युक्त विधुर संतानहीन विवाहित पतियों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं। मतलब संतान युक्त विधुर यानी जिन विधुरों के संतान हैं वे संतानहीन विवाहित पतियों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं और वहीं संतानों की यहां उपस्थिति प्रायः विवाह के बुरे प्रभावों को कम या समाप्त कर देती है। उनका यह मानना है कि यहां संतान जो है वह आत्महत्या की दर को प्रभावित करती हैं क्योंकि जो विवाह के जो बुरे प्रभाव जो पड़ते हैं उनके कारण वो आत्महत्या करते हैं, यहां संतानों के कारण वो जो प्रभाव हैं वो कुछ कम हो जाते हैं और कम होने के कारण वह आत्महत्या कम हो जाती है। वहीं मौर्यशैली का मत है यहाँ पर कि विधुर की तुलना में विधवा स्त्रियाँ अधिक आत्महत्या करती हैं, विधुर की तुलना में विधवा स्त्रियाँ अधिक आत्महत्या करती हैं क्योंकि विधुरों की अपेक्षा उनकी स्थिति दयनीय और अधिक कठिन होती है, उनके सामने नैतिक और आर्थिक कठिनाइयाँ अधिक होती हैं। यानी जब वो विधुर और विधवाओं की जब बात करते हैं तो यहाँ भी वो कहते हैं कि विधुर की तुलना में जो विधवाएं औरतें हैं वे ज़्यादा आत्महत्या करती हैं क्योंकि उनका जो जीवन होता है आगे जो विधवा जो जीवन उनको जीना है वह विधुर की तुलना में कुछ कठिन होता है। वहाँ नैतिकता की भी बात आती है, धर्म की भी बात आ जाती है, पवित्रता की बात आ जाती है, तो वो उस जीवन को यानी जीने में असमर्थ होती हैं और वो अधिक आत्महत्या करती हैं किसके विधुरों के। तो अब हम ये एक बिंदु और है जो लास्ट है अहमवादी आत्महत्या के कारणों में और वो है राजनीतिक संगठन और अहमवादी आत्महत्या है, यानी राजनीतिक संगठन भी कहीं ना कहीं किसी तरह से इस आत्महत्या को प्रभावित करते हैं दुर्खिम का मानना है। दुर्खिम ने आत्महत्या का संबंध जहाँ तक राजनीतिक दृढ़ता से भी जोड़ते हैं और वे कहते हैं कि जब किसी देश की राजनीति सुदृढ़ होती है और जहाँ सुदृढ़ता ढीली होने लगती है तब आत्महत्या की दर बढ़ जाती है, यानी जहाँ राजनीतिक सुदृढ़ता है वहाँ आत्महत्याओं की दर कम है और जहाँ राजनीतिक सुदृढ़ता ढीली हो गई कमजोर पड़ने लगी वहाँ आत्महत्याओं की दर बढ़ने लगती है। तो जब राजनीतिक समाज वो कहते हैं कि जब राजनीतिक समाज उद्विकास और निर्माण की प्रक्रिया में होते हैं तो उनमें आत्महत्या की मात्रा ये नगण्य होती है, यानी न के बराबर होती है। कब?
जब राजनीतिक समाज अपने उद्विकास या जन्म की अवस्था में हैं, वह निर्माण की प्रक्रिया में हैं, वो आगे अग्रसर हो रहे हैं, अभी अभी जन्म हुआ है उनका और धीरे धीरे उनका विकास हो रहा है, उस निर्माण की जब प्रक्रिया होती है वहाँ आत्महत्या बिल्कुल नगण्य होती है, कहने का तात्पर्य वहाँ नहीं होती करीब करीब। और इतिहास का भी एक उदाहरण भी देते हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है कि समाज के उद्विकास काल में बहुत कम आत्महत्या होती थी, किंतु इसके विकास के साथ साथ आत्महत्याओं की दर में भी वृद्धि होती गई। जैसे जैसे समाज में जटिलता आती गई, जैसे जैसे समाज ने विकास किया, वैसे वैसे आत्महत्याओं ने भी यानी अपने ग्राफ को ऊपर बढ़ाया। यहां तक हमने यूनान और रोम का उदाहरण दिया और बताया कि जब वहां राजनीतिक व्यवस्था शिथिल हुई तो आत्महत्या की दर बढ़ गई, और फ्रांस में राजक्रांति के समय सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होने से आत्महत्याओं की दर वहां भी बढ़ गई थी। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने जो चार पांच जो कारण बताए अहमवादी आत्महत्या के, इसका यदि हम मूल देखें तो मूल में वही है कि जहां संगठन है, जहां दृढ़ता है, जहां एकीकरण है, वहां आत्महत्याएं कम है, और जहां संगठन कमजोर पड़ा, एकीकरण कम पड़ा, वहां आत्महत्याओं की दर ज्यादा बढ़ जाती है। कौन सी आत्महत्याओं की? अहमवादी आत्महत्याओं की। तो आज हमने अहमवादी आत्महत्या को चुना। अहमदाबादी आत्महत्या क्या है, किस प्रकार की आत्महत्या को हम अहमवादी आत्महत्या कहेंगे और उसके कारण क्या हैं, इसके बाद दूसरी आत्महत्या जो परार्थवादी होगी हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।